मध्य प्रदेश 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे, 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे, जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है, 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। 12 तारीख से पहले पहले रोक दिया, नहीं तो 12 तारीख तक तो रोक ही देंगे उसको, फाइनल है। अडानी अबानी के जो प्रोटेक्ट है, जहाँ मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं, उनका घराव होगा, उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे पूरे देश में, नेशनल लेवल पर बीजेपी के। 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे, एक दिन के लिए 12 तारीख को पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। यही आज की मीटिंग का जो फैसला हुआ है, और इसी पर हमारे हम बेनती करूंगा कक्का जी से, वो विस्तार से बताएंगे। देखिए बंधुओं को नमस्कार, आवाज ठीक से आ रही? हाँ जी, हाँ जी। कल जो अमित शाह जी के साथ 2 घंटे बैठकर मंथन हुआ था, उस मंथन में सबसे पहले तोमर जी ने जो हमारी 5 बैठकें हुई थी, उन 5 बैठकों का प्रस्तुतिकरण किया कि हमने 5 बैठकों में क्या क्या किया है। उसके बाद अमित शाह जी ने कहा कि हम फिर से चर्चा करते हैं कि इस अध्यादेश में कौन कौन सी विसंगतियां हैं जिनको दूर किया जाना आवश्यक है, हम तैयार हैं। हम लोगों ने कहा कि इस पर चर्चा 5 राउंड हो चुकी है, अब हम इस चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारा मन है। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चर्चा करें। तो हम लोगों ने कहा कि अध्यादेश जारी होने के पहले अगर आप लोगों ने चर्चा की होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि देखिए गलती हुई है, और गलती हुई है तो हम मिल बांट के आपस में इसका सुधार कर सकते हैं। हम लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है, एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ कह दी। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हम प्रपोजल भेजेंगे इन्हीं आवश्यक सुधारों को लेकर, प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर कम से कम विचार करें या गौर करें। प्रपोजल जो आया वो गोलमोल जिस प्रकार का 3 अध्यादेश के बारे में सरकार जारी होने के बाद से लगातार कह रही है, उसी के आसपास है कि इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सौदृढ़ीकरण किया जाएगा, किसान की आय दूनी की जाएगी, ये सब किया जाएगा, पर कैसे किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। क्योंकि हम लोग कह चुके हैं कि हमको ये अध्यादेश निरस्त कराना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून, इसके हमारी ये डेडलाइन है। बाकी जो हमारी आगामी कार्य योजना है, हमारे आदरणीय आज के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बता दिया है कि हमारी आगामी कार्य योजनाएं ये रहेंगी, आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। मैं बताता हूँ बारह तारीख को पूरे देश में रोज प्रदर्शन और धरने दिए जाएंगे, 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ ये दूसरी स्पेसिफिक जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की काल देते हुए धरने लगाएंगे। दूसरे देश के जो हिस्से हैं साउथ ईस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, वहाँ वो लोग 14 तारीख के बाद भी इन धरने प्रदर्शनों को जारी रखेंगे अनिश्चित काल के लिए। 12 तारीख को
पूरे देश में टोल प्लाजा जो है उनको फ्री कर दिया जाएगा 12 तारीख को इस दिन के लिए, और 12 तारीख को ही दिल्ली जयपुर हाईवे, दिल्ली जयपुर हाईवे, जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 तारीख अल्टीमेट है, अल्टीमेटम है, उससे पहले भी हो सकता है 12 से 12 तक तो वो जाम हो ही जाएगा। जियो के बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया, जियो यानी रिलायंस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनको बायकॉट किया जाएगा, जियो सिम के लिए काल दिया जाएगा उसका पोर्ट करवाने के लिए, और जियो के अदर प्रोडक्ट्स जो है उनके लिए रिलायंस। सॉरी अमर जी, जियो बीजेपी के नेताओं का भारत के स्तर पर सभी का हम घिराव करेंगे, उनके जो मुख्य ऑफिस है उनका घिराव करेंगे। तारीख जो 14 तारीख को हमने आपको, हाँ 14 उसी दिन घिराव करेंगे, और उसके बाद जो हरियाणा बताया दर्शनपाल जी ने, जंगवीर जी ने, हरियाणा पंजाब यूपी उत्तराखंड और राजस्थान के वहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा और एक दिन का, और दूसरी जो दूर की स्टेट साउदर्न स्टेट्स हैं उनका भी 14 तारीख को पक्का निश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन होगा वो लगातार जारी जारी रहेगा। उसके बाद जो डीसी ऑफिस हैं, स्टेट्स के जिला हेडक्वार्टर्स हैं, उनका भी घेराव होगा, और ऐसे धरना प्रदर्शन है उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। और हमारी जो कॉल है, सबसे जब बड़ी बात तो है भी हमारी दिल्ली को घेरने की बात है, जयपुर आगरा, और जो जयपुर और दिल्ली, जयपुर और आगरा दिल्ली जो एक्सप्रेसवे है उनको घेराव की तारीख हमने फिक्स कर दी है, और हर हालत में दोनों जो रोड्स हैं वो 12 तारीख को हम बंद कर देंगे हर हालत में, और सभी संगठन रल के इसको करेंगे। जी आज जो फैसले हुए हैं, बात तो कर दिया, ज्यादातर रख दिया है साथियों ने, 14 तारीख को जो है पूरे देश के अंदर, 14 तारीख को पूरे देश के अंदर बड़ा आंदोलन होगा, हर जगह प्रदर्शन किए जाएंगे 14 तारीख को, 12 तारीख को जयपुर हाईवे रोड है उसको रोका जाएगा, और इसको जो टोल प्लाजे हैं इनको पर्चे मुक्त किया जाएगा, ये फैसला पूरे देश के अंदर लिया गया है, और सब जगह पे इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए पूरे देश के अंदर कॉल दी जा रही है कि सभी देश से लोग जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, ये कॉल दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो दिल्ली की तरफ आएंगे, और इसके लेकर जिलों के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं वो 14 तारीख से शुरू हो जाएंगे, जहां पर जो बीजेपी के लोग हैं, जो एमपी है, एमएलए है, इनके जो मंत्री है, उन सब का पूर्ण रूप से इनका बायकॉट किया जाएगा, इनके खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे, और ये प्रदर्शन जो इनके खिलाफ, नेताओं के खिलाफ लगातार जारी रहेंगे, ये आंदोलन जब तक ये तीन काले कानून निरस्त नहीं हो जाते हैं तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा किसान मंच। देखो जो यहाँ पे फैसले हुए हैं ये पूर्ण रूप से जो यहाँ मोर्चे ने जो फैसला लिया है और पूरा देश का फैसला है, ये किसी व्यक्ति का फैसला नहीं, किसी संगठन का नहीं है, और पूरे ये मोर्चाबंदी जिस तरह से दिल्ली की करी जाएगी ये पूरे यहाँ का किसानों का फैसला है, और आम किसान जो गाँव में है वहां तक अपनी आवाज हम पहुंचावे, जो फैसले यहाँ पे लिए हैं सब देश के किसानों की रजाबंदी इन फैसलों के साथ में, जो जो तारीख यहाँ पे दी गई है उन तारीख पे सब लोग अपना काम करेंगे। जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है, तीन बिल हैं मेन रूप से, उनके बिल वापसी नहीं होते, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, और चीजों पे जो होगी इसके बाद में बातचीत सरकार से होगी नहीं होगी, उनका नया ड्राफ्ट आएगा उसके बाद में बात उनसे कब होगी वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा, हम सब लोग साथ में हैं।
डॉक्टर अशोक धावले महाराष्ट्र से है, एआईकेएस के जनरल सेक्रेटरी। साथियों, कल का जो भारत बंद हुआ संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान पर, ये बहुत ही ऐतिहासिक भारत बंद हुआ। पिछले कई सालों में इतना जबरदस्त भारत बंद हमारे देश में कभी हुआ नहीं जो कल हुआ, और उसके अंदर पूरे देश के किसानों के साथ भारत की पूरी जनता अलग अलग राज्यों से बहुत ही जबरदस्त तरीके से किसानों के बाजू में खड़ी हो गई। करोड़ों लोग इसके अंदर उन्होंने हिस्सा लिया, उन सब जनता को हम बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं, आभार देना चाहते हैं, बधाई करना चाहते हैं। आज सरकार ने जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा, कल अमित शाह जी के साथ जो चर्चा होने के बाद ये प्रस्ताव हमने आज संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथियों के सामने रखा, पूरा पढ़ के सुनाया, और हमारा सबका बहुत स्पष्ट मत है कि सरकार ने दिया हुआ ये जो प्रस्ताव है, ये पूरे भारत के किसानों का बहुत बड़ा अपमान तो है ही, लेकिन आज कल भारत बंद से जिन्होंने पूरे जनता ने किसानों को जो समर्थन दिया, इस जनता का भी बहुत बड़ा अपमान ये आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने किसानों का और जनता का अपमान किया है। उन्होंने और एक बात क्लियर की है, ये फिर से वो प्रस्ताव, उसमें नया कुछ भी नहीं है। 5 तारीख को जो चर्चा हुई वही बात है, एक भी नई बात नहीं है, उल्टा और कुछ एक दो बातों में सरकार पीछे गई है। इसके अंदर बहुत स्पष्ट होता है कि आज भी बीजेपी की सरकार ये अपना कॉरपोरेट को मदद करने का जो रास्ता है, जो नीति है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। और हम आज पूरे देश को आह्वान करना चाहते हैं कि आने वाले संघर्ष के स्वरूप को आप समझिए। एक तरफ भाजपा और उनके सभी कॉरपोरेट दोस्तों यहाँ इस देश के और विदेश के एक तरफ है, और दूसरी तरफ इस देश के सभी किसान, मजदूर, खेत मजदूर, छात्र, युवा और महिलाएं अलग अलग किस्म के एक है। ये आने वाले ये हमारा संघर्ष जो संयुक्त किसान मोर्चा ने इसको बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने का ये जो निर्णय लिया है, उसके बारे में दर्शन पाल जी और अध्यक्ष जी ने आपको पूरा बताया है उसके अंदर। लेकिन दिल्ली के आसपास के राज्य ये बहुत जबरदस्त तरीके से, और दिल्ली के सभी हाईवे रोकेंगे 14 तारीख से। पूरे देश भर में एक जबरदस्त धरने पूरे जिला लेवल पे होंगे। जियो का सिम और अंबानी और अदानी के सभी जो पेट्रोल पंप और बाकी सब है उसके ऊपर बॉयकॉट पूरे देश का किसान और जनता ये करेगी। ये है हमारा पूरा ये मकसद इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए। जनता इस आंदोलन को जैसे भारत बंद को समर्थन किया, वैसे ये आंदोलन को भी और ज्यादा समर्थन देंगी, ये विश्वास हमें सबको है। धन्यवाद। क्वेश्चन ले ले। जो किसानों से बातचीत के लिए सरकार के जाएगी क्या? दर्शन पाल जी, सरकार की तरफ से बातचीत का कोई प्रस्ताव है? कल को बुलाया जाना है? नहीं नहीं नहीं, एक एक करके प्लीज, एक कल प्लीज, वन बाय वन प्लीज। आप यहाँ नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा ही जवाब दे तो अच्छा। एक बात बता दूं कि हमें कोई कल का बातचीत का न्योता नहीं था, ये प्रपोजल के बाद ही हम बोले थे, हम ही कह करके आए थे कि हम सोचेंगे हमें आना है या नहीं आना, आप प्रपोजल दीजिए। नहीं है, नहीं पूछिए पूछिए। जड़ी प्रपोजल की बात आई है सर, सर जो प्रपोजल की बात आई है, कह रहे कि तोमर जी ने जो 9 पॉइंट थे उससे भी इसमें शॉर्ट कर दिया और कटौती हो गई है, अब ये प्रपोजल मंजूर नहीं, क्या अगली प्रपोजल आएगी वो मंजूर करेंगे या हमें संशोधन चाहिए ही नहीं? देखिए, कटौती कर दी या कम कर दिए, ये सारे प्रपोजल गोलमोल है, स्पष्ट नहीं है। एक,
हमको प्रपोजल चाहिए नहीं, ये भी हमको प्रपोजल नहीं चाहिए था, उन्होंने भेजा, हमारे पूरी जो कमेटी है उसने इसको खारिज कर दिया। देखिए एक हमारी कमेटी, जब वो हमको प्रपोजल देंगे हमारी पूरी कमेटी बैठेगी, बैठने के बाद उस पर निर्णय करेंगे कि आगे वार्ता जारी रखी जाए अथवा नहीं। वार्ता पर कोई फैसला नहीं हुआ है। कल जो बैठक हुई थी अमित शाह जी से, उसको लेकर मंथन हुआ होगा, क्या अंदर ये बात भी हुई है कि हमें कल जाना नहीं चाहिए था, जाने की गलती की, या सरकार ने जिस ढंग से पेश किया कि जथेबंदियों में टकराव हो गया है, 13 बुलाए, क्या ऐसा तो नहीं सरकार? नहीं, किसी में कोई टकराव नहीं है, पूरे संगठन पूरी ताकत से एक साथ परिवार भाव के साथ एकजुट है, मतभेद कहीं नहीं है। जो कल बातें हुई थी कि आगे हमको जाना है अथवा नहीं जाना, जब उनका वहां से निमंत्रण आएगा उसी समय परिस्थितियों को देखकर हम लोग निर्णय करेंगे। मैं बताता हूँ इसके बारे में, हमने पूरा दिन मंथन करके बातचीत करके ही फैसला किया था जाने के लिए, इसलिए सब हमारे किसान नेताओं को पता था। ये मीडिया में या किसने इस तरह का के कुछ संगठन नहीं है, सब संगठनों को पता था ये बात, मीडिया को भी हमने ही बताया कि हम वहाँ हैं, हमने जानकारी दी थी कि हम कहाँ हैं। लेकिन ये बात जो इस तरह से गया कि संगठनों को नहीं पता चला, ये बात नहीं। देखो गाड़ियां जो आई, गाड़ियां उस समय, असल में जब हमने फैसला किया उस समय टाइम बहुत हो चुका था, हम बस अरेंज करने वाले थे लेकिन उस समय हम बस अरेंज नहीं कर पाए। हमारे पास दो गाड़ियां अपनी थी, दो गाड़ियां हमने वहां से ली, जिसमें अगर हमारा बस होता तो अच्छी बात थी, मैं मानता हूँ, लेकिन इससे कोई ऐसा नहीं हुआ कि बस नहीं गई हम चले गए, उसमें तो कोई गड़बड़ होगी बहुत बड़ी। एक ही बस में जाएंगे हम, इकट्ठे जाएंगे। जो मसला अज आप ऐलाने प्रोग्राम सारे देश भर के धरने लाने बंद करना, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस यह भी गल आई थी कि दिल्ली के अंदोलन होर तिखा करदे आ रेलों के चक्के जाम करांगे, कि दिल्ली का रेलवे स्टेशन या दिल्ली दीआं पटड़ियां घेरन दा वी कोई प्रोग्राम नहीं? दिल्ली या देश की रेलवे को करने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, कभी अनाउंस नहीं हुआ। दिल्ली का हाईवे जयपुर दिल्ली हाईवे ही खुला है अभी, उसको बंद करने का हमने फैसला कर लिया है। हाँ सर, अगर सरकार का, आपने कहा कि अगर कोई नया प्रपोजल आता है आप सीधा ये कहेंगे कि आप यस नो पे बात करते हैं या फिर कोई प्रपोजल पे बात करेंगे? मैंने आपसे बताया कि हमारी कमेटी बैठेगी, भी सारे चीज तय करेगी, तो वो कमेटी तय करेगी। और ये जो कल कंफ्यूजन हुआ आप लोग को भी, मेरा सवाल ये था, हाँ, कि हमेशा प्रस्ताव भेज दिया उन्होंने, तो अब जो अगर कोई नया आपके पास कोई आता है कि